अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वापस होंगे और मैं भी आपके दोस्त से बिल्कुल ठीक ठाक और फैंटास्टिक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट डे उनको पैसे मिल रहे थे और फर्स्ट डे उनको क्यों नहीं मिले थे, क्यों जो पैसे जो है ना वो शॉप पे भी नहीं मिलेंगे, स्कूलों में मिलेंगे, स्कूलों को छुट्टियाँ हो रही हैं तो उसकी वजह से नौ जो उनको पैसे मिलना स्टार्ट होंगे और स्कूलों में इसलिए मिलेंगे क्योंकि 500 रुपये की कटाई होती थी। आप लोगों को 50 मिलते थे, उसमें से 500 वो काट लेते थे, बाकी 8,000 रुपये गरीब होंगे, 500 500 बना के वो करोड़ों रुपए के वो निकाल लेते थे और आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। समझो, वो 85 सौ में 500 वो ले लेते, बाकी 8,000 आपको मिलते थे। तो अभी मैं आप लोगों को ये बैक अपडेट दे रहा था और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि स्कूलों में जब पैसे स्टार्ट होंगे तो बहुत सारे रश होंगे, तो आपने ऐसा करना है कि पहले घर बैठ कर ना अपना आई डी कार्ड को चेक कर लेना कि आपके पैसे आए हुए हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाओ और मतलब के पैसे ना आए और लाइन बड़ी बड़ी लाइनों में लग 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 के वापस आ जाओ, वो फिर कहेंगे आप ही आपके तो पैसे नहीं आए, आप वेट करें, बाद में अपना इंसान को धोखा होता है। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको ना आपने ऐसा करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ से ना 8171 लिखना है और 8171 का वेब पोर्टल आ जाएगा, वहाँ पे आपने सर्च करना है 8171 का वेब पोर्टल को। फिर उसके बाद ऊपर ऊपर वो मांगता है कि ना ये पर्ची वाला कोड वो ना दें, सेकंड नंबर पर शनाख्ती कार्ड और थर्ड नंबर पे उसका जो फ़ोन नंबर है कोई भी फ़ोन नंबर दे दें। वैसे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इस जगह से, तो थर्ड फोर्थ जगह से आपने देना है वो जो कोड तस्वीर में दिया गया कोड, वो वहाँ पे लिखा होता है जो सामने तस्वीर होती है उसमें, तो वो दे के आपने चेक कर लेना है कि आपके पैसे आए हुए हैं या नहीं। सबसे पहले ये चेक करके जाना है आपने। थैंक्स।